हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ यू वर्सेस दे। क्या सोचते हैं आप आपके पर्सन के बारे में, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या होगा आपका नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स योर पर्सन, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या रहेगा, फाइनल आउटकम में आप आपके पर्सन को क्या एनर्जी देंगे और आपके पर्सन आपको क्या एनर्जी देंगे। तो ये देखेंगे रीडिंग, और यहाँ पे मैं एंसेस्टर के मैसेज लूँगी, एंजल एंड एंसेस्टर के मैसेज आपके लिए क्या है, ताकि अच्छे से मैं आपको गाइड कर पाऊँ। और दूसरी बात ये कि आज ना एक हैंड रिटन मैसेज से एक सर्टन पीरियड क्या है, टाइम फेज क्या है आप दोनों के रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक होने का। अगर कोई सेपरेशन मोड में चल रहा है तो सेपरेशन मोड ख़त्म होकर आपके रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा जाने का, तो ये भी देखेंगे। तो कर लिए कार्ड हमने चार्ज, अब करते हैं कॉल आपके एंजल माइकल को। पहले तो डेक ही रख देते ना, साइड में अच्छे से डेक रख देंगे। जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जिसको आपको जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है, आपको ऐसे ही लेनी है। और जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है आपको उतनी ही लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। तो सबसे पहले देखते हैं अभी इस वक्त आप अपने पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हो, ताकि आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि रीडिंग कहाँ तक आपसे बैठती है। तो क्या सोच रहे हैं आप अपने पर्सन के बारे में जी? आप चाहते हैं आपके पर्सन से एक स्टार्ट करना, रिलेशनशिप की स्टार्ट करना। यहाँ पे किसी ने काफ़ी स्पिरिचुअल वर्क कर लिया है, या फिर किसी की आजकल पूजा अर्चना बहुत चल रही है, कोई यहाँ पे अवेकनिंग की प्रोसेस है, यहाँ पे कोई डिवाइन फेमिनाइन है जो अपने ऊपर काम कर रही है, जर्नी के ऊपर काम कर रही है, जैसे कि कोई एनर्जी का सहारा लेकर सारे ब्लॉकेजेस हटाकर अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा प्योर बनाने की कोशिश कोई कर रहा है। आप डेफिनेटली चाहते हैं आपके पर्सन से नई शुरुआत, आप चाहते हैं आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स एक्शन ले, आपको अप्रोच करे, आपको इस रिलेशनशिप में वैल्यू दे, रिस्पेक्ट दे, स्टेबिलिटी दे। ये पर्सन आपको पता, आपको आपके पर्सन के ऊपर ट्रस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्या है ना कि इस रिलेशनशिप को आपके पर्सन ने अब तक प्रॉपर बैलेंस नहीं किया है। ये बैलेंस करने की जो बात इन्हें आपसे ही जुड़ी आ रही है, आप ही करते हैं, आपके पर्सन के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन स्टेबिलिटी दे नहीं रहे आपको रिलेशनशिप में। आप चाहते हैं आपके पर्सन आइए आपसे और ये अप्रोच करें। अब देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइड मी, जो भी जिस भी दर्शकों के लिए ये मेरे व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड मी आर्कएंजल माइकल। आपके पर्सन वैसे नेचर से बहुत इगोइस्टिक है, जितने समझदार आप हो, जितने मैच्योर्ड आप हो, एक बहुत ही प्योर मुझे आपकी एनर्जी लगती है। आपके पर्सन इगोइस्टिक है, हो सकता अथॉरिटी पोजीशन पे, बॉसी पोजीशन पे आपके पर्सन से, हो सकते किसी कंपनी के बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसिग्नेशन पर आपके पर्सन हो सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट, आपके पर्सन गवर्नमेंट फील्ड में एक अच्छे ऑफिसर के पोजीशन पे है। आपके पर्सन आपको विश फुलफिलमेंट समझते हैं गाइस, आपके पर्सन के लिए किसी विश फुलफिलमेंट से कम नहीं हो। ये पर्सन देखिए, आप चाहते हैं आपके पर्सन आपके टूर सेक्शन ले, और आपके पर्सन आपके टूर सेक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि आपके आपके पर्सन के लिए विश फुलफिलमेंट है। ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप को ब्लेसिंग की तरह समझते हैं। कुछ बातें हिडन है, कुछ बातें सीक्रेट है। मुझे लगता है आपके पर्सन अगर कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है, तो इसीलिए आपके पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल में कर लेते हैं, अपने इमोशंस को बैकआउट कर लेते हैं। देखिए
बात भी कैसे आती है, यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स। आपके पर्सन का कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, हेड एंड नेक कुछ तो गड़बड़ घोटाला चल रहा है, या तो आपको पता नहीं है, आपके पर्सन के लाइफ में एक सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा है, एक तरीके की धोखा और बिट्रेल करने की एनर्जी आपके पर्सन आपको दे रहे हैं, या तो आपके पर्सन ने ऑलरेडी आपके साथ किया है, नहीं तो अभी ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में होने के बावजूद इनका ये भी गेम चल रहा है, आपके होते हुए ये पर्सन किसी से सीक्रेटली एक अफेयर कर रहे हैं, या तो ये बातें, नहीं तो आपके पर्सन को ये लगता है कि आपने इनसे कुछ बातें हिडन रखी थी, छुपाए रखी थी, जो इनको एक धोखा लगता है। अब देखना आप कौन सी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है और क्या है। दो कार्ड आ गए यहाँ पे, जी डेविल की बात है, यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स है। डेफिनेटली यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी का मसला है, आई एम प्रिटी मच श्योर कि थर्ड पार्टी का मसला है यहाँ पे, और थर्ड पार्टी ने ही कुछ चीज़ें आपके पर्सन के ऊपर की थी, जिसे कि कोई ब्लैक मैजिक की थी, या तो आपको लेकर थर्ड पार्टी ने बहुत उल्टे सीधे आपके पर्सन के कान भरे थे, आपके और आपके पर्सन के बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी थी, जिसकी वजह से आपको भी लगता था कि ये पर्सन शायद अब आपके पास कभी आएंगे नहीं, आपको कभी अप्रोच करेंगे नहीं, कुछ ट्रस्ट इश्यू आपने खड़े हो गए थे, आपके पर्सन आपको एक चीटर या फिर धोखा बिट्रेल करने वाले पर्सन समझ रहे थे, ऐसा नहीं है। तो दूसरी बात यह कि आपको शायद पता नहीं है, बट आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी से अपना रिलेशनशिप बढ़ा रहे हैं, ये पर्सन अभी भी उस रिलेशनशिप में है, और रिलेशनशिप काफ़ी हद तक फिजिकल लेवल पर है, और बावजूद इसके ये पर्सन आपके साथ आपको एक विश फुलफिलमेंट मानते हैं, ये पर्सन आपके टूर्स आना चाहते हैं, या तो इन्होंने आपको एक हिडन रिलेशनशिप में रखा है, नहीं तो आपसे हिडन इनका एक रिलेशनशिप है। हाई प्रिस्ट जी, आपकी तो एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ट्रांसपेरेंट है, प्योर आपकी एनर्जी आ रही है, जैसे कि एक फैमिली आप बनते हैं आपके पर्सन को, आप चाहते हैं कि आपके पर्सन कुछ बातें समझ जाए, अगर आप इनके साथ मैरिड है तो आपके दिल में एक ही तमन्ना है कि वापस आपका रिलेशनशिप अच्छे से जुड़ जाए आपके पर्सन के साथ, और इसीलिए आप काफ़ी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कोई हीलिंग कर रही, जैसे कि इस पर्सन, जैसे ये पर्सन आपके लाइफ में आए और आपकी फैमिली को कंप्लीट करे, या फिर ये पर्सन फैमिली के लिए आपको अप्रोच करे, या तो ये पर्सन आपको प्रपोजल दे शादी का, फैमिली बनाने का, ये सब चैलेंजेस को क्लैरिफाई करें। एंजल सिक्स ऑफ पेंटेकल, आप ये भी चाहते हैं कि अब तक आप अकेले एफर्ट दे रहे थे, ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, ये पर्सन आपके योगदान को समझे और उतना ही योगदान इस रिलेशनशिप में ये पर्सन आपके लिए दे। अगर यहाँ पे बात आपके किड्स है, तो आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके बच्चों से अच्छे से पेश आए, और आपके बच्चों को लेकर ये पर्सन सारी ड्यूटीज़ उठाए। नाइट ऑफ पैंट्स को देखते हैं क्यों है यहाँ पे सुबह के 3 बजे गाइस, तो मुझे लगा कि मुझे तो रीडिंग डालनी ही चाहिए, बट यहाँ पे या तो आपके ऊपर कोई एक शेडो साइड है, फियर बहुत है, आपको फियर ऑफ रिजेक्शन है कि ये पर्सन नहीं आएंगे आपके टूवर्ड्स, क्योंकि शायद ये पर्सन थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, इनके ही गुण गा रहे, इनके ही रंग में ढले आपके पर्सन, तो यहाँ पे एक डर है आपके मन में कि ये पर्सन अब आपके पास कभी आएंगे नहीं, हालांकि आप चाहते तो यही है, एनर्जी तो दिन रात यही दे रही कि ये पर्सन आए, बच्चे हैं तो इनका ख्याल रखें, और बच्चे नहीं हैं तो आपसे एक फ्रेंडली बॉन्डिंग बढ़ाएं, आपके लिए भी ये पर्सन अपनी ड्यूटीज़ उठाएं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए, आपकी इक्वल गिव एंड टेक दे, बट उसके तुरंत बाद आपके मन में फियर भी होता है कि ऐसा तो कभी होने से रहा, एक डार्क शेडो साइड में आप चले जाते हैं, एक निगेटिव माइंड सेट में आप चले जाते हैं। यू नो पेंटेकल क्यों हैं, यूनो पेंटेकल को क्लेरिफाई कर रहा है पेज ऑफ सोर्स। देखिए दो बात आ रही है, या तो आप बहुत स्टॉप कर रहे हैं आपके पर्सन को, हो सकता है आपके बात ही नहीं हो रही, नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट में आप हो, आप स्टॉप बहुत कर रहे हैं आपके पर्सन को, नहीं तो दूसरी बात है कि आपको कोई स्टॉप कर रहा है, अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड है तो इनकी जो वाइफ है, इनकी जो स्पाउस है,
वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, और शायद इनके स्पाउस की वजह से आपको ऐसे लगता है कि ये पर्सन अब आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि इन्होंने या तो आपसे चोरी छुपे उस थर्ड पर्सन से शादी कर ली है और रिश्ता काफ़ी आगे बढ़ गया है, तो इसीलिए आपके मन में डर है कि इन्होंने कभी आपको बोला होगा कि आपके साथ शादी करेंगे, कमिटेड रिलेशनशिप बनाएंगे, तो अभी होने से रहा। ऐसे भी आप भी इनको स्टॉक कर रहे हैं, नहीं तो ये इनके लाइफ पार्टनर जो कोई भी आपके पर्सन के वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। नाइन ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्लेरिफाई करते हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपको क्यों भरोसा नहीं है, क्योंकि ये पर्सन कमिटमेंट फ्लिक कर रहे हैं। ये बोलते बहुत कुछ है कि ये करेंगे वो करेंगे, पर जब करने की बात आती है तो इस पर्सन के पास 100 बहाने होते हैं और ये पर्सन कमिटमेंट दिए बगैर ही भाग जाते हैं। तो इसीलिए आपको आपके पर्सन के इस ये जो आना जाना है पर्सन का इन आउट होता है हमेशा रिलेशनशिप में, इसके वजह से आपको आपके पर्सन के ऊपर ज़रा भी ट्रस्ट नहीं है। टेम्परेंस की एनर्जी देखते हैं यहाँ पे क्यों है भाई। हाई प्रिस्टेस, फाइव ऑफ वैंड्स, झगड़े बहुत हुए हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पे, या तो कोई सीक्रेटली कोई यहाँ पे अगेन मुझे एक सीक्रेटिव एनर्जी लगती है जो आप दोनों के रिलेशनशिप को इम्बैलेंस करने की कोशिश में है। ये कोई फीमेल है या कोई महिला है यहाँ पे जिसकी बात आपके पर्सन हमेशा मानते हैं। इनके फैमिली में ऐसी कोई महिला है जो आपके पर्सन इसके कंप्लीट कंट्रोल में है, इनकी बात मानते हैं, इनकी आज्ञा मानते हैं। वो लेडी या फिर वो पर्सन आपके खिलाफ बहुत बोलते हैं, आप में और आपके पर्सन में बहुत कुछ झगड़े लगा दिए इन्होंने ऑलरेडी। आपने काफ़ी हद तक इन झगड़ों को इन डिफरेंसेस को बैलेंस कर लिया है, आपने अपनी इंटीट्यूटिव पावर अपनी हीलिंग एनर्जी से रिलेशनशिप को बैलेंस किया है, बट यहाँ पे एक सीक्रेटिव एनर्जी डेफिनेट मुझे लगती है जो कोशिश करती है कि आप दोनों में बहस हो, आप दोनों में डिफरेंसेस बढ़े। अब देखते हैं यहाँ पे द हॉर्न गॉड जो है एम्परर की एनर्जी बताइए। ये पर्सन इस पर्सन ने इमोशनल वॉकआउट तो कर लिया था आपसे काफ़ी टाइम से, ये पर्सन आपको कोल्ड शोल्डर दे रहे, गोस्ट कर रहे, बट ये पर्सन ने अब डिसीजन बना लिया कि इनको वापिस आना है आपके आपके लाइफ में। नाइन ऑफ कप की एनर्जी बताते हैं जी। नाइन ऑफ कप, टेन ऑफ सोर्स क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे एंड किंग ऑफ सोर्स। इस पर्सन ने धोखा किया था आपसे, इस पर्सन ने बिट्रेल किया था आपसे इस डेक के लिए, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे सन की एनर्जी। तो एक नेगेटिव साइकिल आप दोनों में चल रहा था, कोल्ड शोल्डर गेम चल रहा था, अभी ख़त्म हो गया, जैसे कि कोई ट्यूपिटी है या फिर आपके पर्सन को रियलाइज़ होने लगा है कि एक्चुअली इनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट आपको इन्होंने आपको मांगा था वही सही था। तो गेम तो इन्होंने बहुत खेला है आपके साथ, बहुत कई दफ़ा इन्होंने आपको धोखा दिया, आपका भरोसा तोड़ा है, अपने ईगो में, अपने घमंड में, अपने अहंकार में रहे हैं, और इन्होंने आपको बहुत लंबे समय तक कोल्ड शोल्डर दिया है, गोस्ट किया है, ब्लॉक किया है, कोई कोई तो अभी भी ब्लॉक है। पेज ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों होंगे, पेज ऑफ फ्रेंड्स का क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटेकल्स। जी हाँ, ये एक्शन, ये इनकी क्वीन ऑफ पेंटेकल आप हो, ये आपके टूर्स बढ़ना चाहते हैं, आपको इस रिलेशनशिप में मैच्योरिटी देना चाहते हैं, ये पर्सन स्टेबल बनाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। द मून क्यों है यहाँ पे, बहुत इमोशनल बर्डन आपके पर्सन इस वक्त फील कर रहे हैं, और इनको कैसे भी किसी भी तरीके से अपने आप के लिए भी प्रोटेक्टिव बनना है और आपको भी इस रिलेशनशिप से बचाना है। या तो हो सकता है कि आप दोनों का ये रिलेशनशिप हिडन चल रहा है, सीक्रेटिव चल रहा है, और काफ़ी बैलेंस करना या फिर आपको बचाना बहुत मुश्किल का काम आपके पर्सन को लगता है, बर्डन वाला काम आपके पर्सन को लगता है कि कितने देर तक पता नहीं मैं इस रिलेशनशिप को इस तरीके से बचा के रख पाऊँगा, आई डोंट नो। बट फिर भी ये पर्सन आपके टूअर्स आना चाहते हैं, आपको एक सेफली जोन पर रखना चाहते हैं, डिफेंसिव होना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, बर्डन है आपके पर्सन के ऊपर। या तो इन्होंने आपसे चोरी छुपे कोई शादी की, तो वो भी इमोशनल बर्डन आपके पर्सन कैरी कर रहे हैं। टेन ऑफ एंथम को क्लेरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ वैंड्स। देखिए दो क्वीन तो आ गई यहाँ पे, तो हो सकता है इन्होंने किसी और के चक्कर में आपके साथ ये धोखाधड़ी की थी, इन्होंने आपको बिट्रे किया था, ये इन्होंने आपको कोल्ड शोल्डर दिया था, ये आपको छोड़कर गए थे,
बट ये जाने के बाद आपके पर्सन को समझ में आ गई कि एक्चुअली जिस पर्सन के पास गए थे आपको छोड़कर, वो बहुत ही कंट्रोलिंग मैनिपुलेटिव टॉक्सिक पर्सन है। उसी पर्सन से ये इसे अपने मुंह के ऊपर गिरे ना, तो इस पर्सन को समझ में आ गया कि धोखे के साथ हमेशा धोखा ही होता है। वो वाली बात आपके पर्सन इस वक्त समझ रहे हैं कि जिसके पीछे वो भागे गए थे तो वो सिर्फ एक क्या बोलते हैं उसको, भ्रम था इनका। अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल ऐसा भ्रम था, असल में ऐसा कुछ था नहीं। जो चीज़ इनको ब्यूटीफुल बहुत बाहर से दिखती थी, एक्चुअली वो ऐसी है नहीं। तो यही जो सम्मान, जो गरिमा इस पर्सन ने आपसे छीन कर किसी और को दी थी, तो वही सम्मान और गरिमा आपको लेकर ये पर्सन आपके टूवर्स आना चाहते हैं। नेचर की एनर्जी के हैं जी, सिक्स ऑफ सोर्स। ये पर्सन देखिए है इफेक्ट में, तो ये पर्सन मुझे लगता है एक ब्लैक मैजिक डेविल की एनर्जी, वहाँ से धीरे धीरे ये पर्सन निकल रहे हैं। किसी ने अगर सच में आपके पर्सन के ऊपर कुछ किया था तो ये पर्सन धीरे धीरे निकल रहे। मुझे मेरा एक ध्यान कहाँ पे खींच रहा है ना कि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है, यहाँ पे डेविल है। डेफिनेटली कोई महिला है जिसने कोई एक ब्लैक मैजिक आपके पर्सन के ऊपर किया था ताकि आपके पर्सन आपसे दूर चले जाए। बट ये पर्सन वही डिस्टेंस तय कर वही सफ़र कर ये पर्सन ट्रांसफ़र होकर या फिर एक जर्नी कर आपके टूवर्स आ रही है। पर्सन थ्री ऑफ पेंटेकल को क्लेरिफाई करें, थ्री ऑफ पेंटेकल को क्लेरिफाई करें जी। पेज ऑफ का थर्ड पार्टी लाई थी इन्होंने, थर्ड पार्टी से काफ़ी रिश्ता बढ़ाया था इन्होंने। इस बात के लिए ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगकर आपके साथ रिलेशनशिप की शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डे आता है सिक्स ऑफ वैंड्स। तो डेफिनेटली इस पर्सन की इनकी सोच भी है और एक्शन भी आपके टूवर्ड्स एक विक्ट्री की जैसी हो रही है। विक्ट्रीज एक्शन लेते हुए ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आते हुए मुझे करंटली दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट एक्शन, आप क्या सोचते हैं आपके पर्सन को लेकर और आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपको लेकर। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स देयर पर्सन क्या है। परफेक्ट प्लानिंग के साथ आप आपके पर्सन के टूवर्ड्स जाते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि आपके टूवर्ड्स आ रही है मैच्योरिटी। आपके पर्सन एक मैच्योरिटी का हाथ बढ़ाकर आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। वो एक स्टेबल एक्शन आपके लिए लेकर आना चाहते हैं ये पर्सन। बट यहाँ पे बातें आ रही है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की। कुछ बातें हैं आप दोनों में जो अभी भी सॉर्ट नहीं हुई है, या फिर आगे भी अगर सॉर्ट नहीं होती है तो उसको लेकर कुछ मेंटल डिस्प्यूट आप दोनों में हो सकते हैं। चैरिट की एनर्जी है यहाँ पे। एक बात मुझे भी लगती है कि कोई तीन महिला है यहाँ पे, थ्री पर्सन्स है जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपके मन में आपके पर्सन के खिलाफ कुछ निगेटिव चीज़ें आ जाए। निगेटिव बातें हमेशा कोई ना कोई आपके दिमाग में पकाता है आपके पर्सन को लेकर, जिसको लेकर आपको आपके पर्सन के ऊपर भरोसा नहीं होता और झगड़ा करने का मन होता है। तो खास कर मैं ऐसे बोलूँगी कि आप ऐसे लोगों से दूर रहिए। कुछ लोग हैं जो कोशिश करते हैं आपके दिमाग में हमेशा 24 घंटे कुछ ना कुछ बात डालने की और एक डिफरेंसेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। आपको ऐसे लोगों से दूर आना चाहिए। वैसे आप निकलते हुए भी दिख रहे, आपके पर्सन के टूवर्ड्स जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। एट ऑफ कप की एनर्जी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप आपके पर्सन के पास जाते हुए मुझे दिख रहे। कुछ बातें थी, गलत बातें थी, डिफरेंसेस थे, जिसकी वजह से एक टाइम पे, एक मोड़ पे आपने भी इस रिलेशनशिप से कुछ टाइम के लिए वॉकआउट कर लिया था। बट आप वापस आपके पर्सन के टूवर्ड्स जाना चाहते हैं। कुछ दर्शक है जिन्होंने इमोशन विड्रॉ कर लिया था। बात आती है इस ऑफ वैंड्स। आप आपके पर्सन के टूवर्ड्स जाना चाहते हैं
एक एक्शन मोमेंट आप आपके पर्सन को देना चाहते हैं, आप एक क्विकली एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि किसी मेरे काफ़ी सारे दर्शक ऐसे कि जिन्होंने कुछ डिफरेंसेस होने के कारण मूव ऑन कर लिया था इस रिलेशनशिप से, या फिर आपके पर्सन से कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लिया था, बट आपके मुझे एक्शन दिख रहे आपके पर्सन के टूवर्ड्स जाने की नेक्स्ट एक्शन में, क्योंकि आप भी चाहते इस रिलेशनशिप में एक नई एक्शन, नई पहल आपके पर्सन के साथ। अब देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या है। जी बहुत ब्यूटीफुल है आपके पर्सन की एनर्जी। आपके पर्सन एक स्ट्रेंथ में आ गए हैं, पावर में आ गए हैं, और आपके पर्सन भी देखिए आप वैन लेके बैठे हो, ये सोर्स लेके बैठे, आप चाहते हैं पहल, आप चाहते हैं कम्युनिकेशन आपके पर्सन से हो भी जाएगा, और आपके पर्सन देना चाहते हैं क्लियरिटी, क्योंकि अब इनमें इतना धीरज आ चुका है कि जो भी बात इन्होंने आपके साथ की थी वो सारी बातें बहुत स्ट्रांगली आपके साथ एक क्लैरिटी देंगे। अब तक आपके पर्सन का नेचर रहा था विदाउट एनी क्लैरिटी ये पर्सन हमेशा भाग जाते थे, तो जो चीज़ें हिडन थी जिसको लेकर आपके मन में काफ़ी डिस्प्यूट चल रहे थे, काफ़ी शक चल रहा था, उसको लेकर आपको क्लैरिटी मिलेंगी। फिर उसके बाद क्या होने वाला है आपके पर्सन, एक बार क्लैरिटी आने के बाद देखिए या तो क्लैरिटी आपके पर्सन को मिलेगी आपसे, क्योंकि आप भी कुछ बातें क्लियर करते हुए दिख रहे हैं और आप भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी में दिखते हैं, और आपके पर्सन भी वही एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में दिखते हैं। उसके बाद आपके पर्सन जो कुछ भी हो गया चलो उस पर मिट्टी डालो फिर से स्टार्ट करते हैं, ऐसे एक रिस्क लेने वाले एनर्जी में आपके पर्सन आते हुए दिख रहे आपके टूवर्ड्स, लिप ऑफ फेथ की एनर्जी, बिना डरे बिना रुके ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। और क्या बात है देखिए यहाँ पे एक स्टार की एनर्जी, आपके पर्सन आपको किसी स्टार से कम नहीं समझते, बहुत या तो आप फेमस हो गए, यहाँ पे कोई यूट्यूबर है, कोई हीलर है, कोई इन्फ्लुएंसर है, या फिर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे आप फेमस हुए हो या फिर आगे होने वाले हैं, तो आपकी ये जो प्रतिभा है, आपकी ये जो आपका ये जो ऑरा है मैग्नेटिक ऑरा है जिसको लेकर आपके पर्सन बहुत अट्रैक्टिव होने वाले हैं, ये पर्सन आपको हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं, क्योंकि आपसे इनकी नज़र नहीं हट रही, भले ये पर्सन मुंह से सारी बात नहीं बोल रहे बट इस पर्सन के मन में ये सारी बातें हैं। एज में आपके पर्सन आपसे छोटे हो सकते हैं बट ये पर्सन आपको मांगते हैं, और आपके पर्सन के एक विश ग्रांट हो गई है, जैसे कि आपको इन्होंने चाहा था, इनकी विश फुलफिलमेंट आपको समझते हैं कि किसी की विश ग्रांट हो रही है नेक्स्ट एक्शन में, क्योंकि आपके पर्सन के साथ आपका यूनियन मुझे नेक्स्ट एक्शन में दिख रहा है। मैं एक बात बोलूं, मुझे आपके पर्सन की एनर्जी फिर भी बहुत अच्छी लग रही है। बॉटम ऑफ द डे के यहाँ पे टू ऑफ पेंटेकल्स, दोनों की एनर्जी इन शॉर्ट म्यूचुअल एनर्जी आ रही कि दोनों अपने अपने साइड से इस रिलेशनशिप को बैलेंस कर लेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे थ्री ऑफ वैंड्स जो है। जी क्या है मैं बोलूँ, पहले बालसन की बात आ गई, सन आ गया आपके एक्शन में, तो जी पावरफुल एक्शन एंड अबंडेंस इन योर रिलेशनशिप फ्रॉम योर साइड। किंग ऑफ पेंटेकल क्यों है, किंग ऑफ पेंटेकल जी अगर आप मेल है तो आप तो ऐसे डिफेंसिव एनर्जी में आ रहे हो, स्ट्रांग एनर्जी में, ये दो कार्ड और आए थे, स्ट्रांग एनर्जी में आए हैं, आपको भी पता चल चुका है कि कुछ लोग हैं जो आपकी रिलेशनशिप में, यहाँ पे मैंने वही बात बोली थी ना, यही पे बात आ रही है, आपको पता चल चुका है कि आप दोनों में डिफरेंसेस क्रिएट किए जा रहे हैं आपके कुछ अपने ही नियर एंड डियर वन से, ऐसे लोगों से जिनसे शायद आपने कभी उम्मीद ना की थी। अब आपको क्या करना है ना, आपको इन लोगों से अपने रिश्ते को बचाना है, अपने रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी को बचाना है, और आप ऐसे पावरफुल एनर्जी में मुझे आते हुए दिख रहे हैं आपके नेक्स्ट सेक्शन में। फाइव ऑफ सोर्स, क्योंकि बहुत बातों से पर्दा हटने वाला है,
झगड़े खत्म होने वाले हैं, जहाँ पे एस ऑफ कप पे दो बार कार्ड आ चुके थे, करंट एनर्जी में आए थे, नेक्स्ट सेक्शन में आए, कुछ डिफरेंसेस थे, डिस्प्यूट्स थे जो हिडन थे, सीक्रेट्स थे, आपको उसके रूट कॉज पता नहीं थे, सारी बातें सॉर्ट होने वाली हैं। और आप यहाँ पे 111 की एनर्जी में देख रही हूँ, अगर आप लोगों को 111 बहुत दिखता है तो ये एनर्जी को आप प्रेम कर सकते हैं, ये एनर्जी आपके लिए है, एक्चुअली सभी के लिए है, बट यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट मुझे मैसेज आया तो वो मैंने दे दिया। तो सारे डिफरेंसेस आपके ख़त्म होने वाले हैं और आप आपके पर्सन के साथ नए प्यार से, अनकंडीशनल लव से स्टार्ट करने वाले हैं। चैरियट की एनर्जी को बताइए एंजल। यहाँ पे देखिए क्या मैं बोलूँ, यहाँ पे क्या बात आ रही है, यहाँ पे क्या बात आ रही है, इमोशनल वॉकआउट आप में से काफ़ी सारे लोगों ने किया था। अगर आपके पर्सन ने आपसे इमोशनल वॉकआउट कर लिया था तो ये पर्सन आपके पास आते ही मुझे दिख रहे हैं, और ये पर्सन जब आएंगे तब आप भी अपने डिफरेंसेस सॉर्ट कर आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप भी नई स्टार्ट करने वाले हैं। नहीं तो अगर आपने इमोशनल वॉकआउट किया था तो आप वापस आपके पर्सन के टूवर्ड्स जाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे वही सेम बात आती है गाइस, तो समझ में आती है कि एनर्जी कितनी क्लियर कट जा रही है। एट ऑफ कप को क्लियरिफाई करें। थैंक यू इंडिया माइकल जी, आप क्यों गए थे इस रिलेशनशिप से, आप क्यों गए थे, क्योंकि आपके साथ बहुत धोखा। ओ माय गॉड, स्टार मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे ये दो कार्ड ऐसे आ गए थे, बट मैं उनको बाद में लूँगी। देखिए एट ऑफ कप क्या हुआ था, आपके साथ एक धोखा हुआ था, बिट्रेल हुआ था, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और ये शौक इतना बड़ा था कि दुखी होने के बावजूद, परेशान होने के बावजूद, अटैचमेंट इशू होने के बावजूद आपने इस रिलेशनशिप से वॉकआउट कर लिया था। या तो आपने खुद ही अपनी हीलिंग की है, या तो आपने कुछ किसी से हीलिंग करवाई है, नहीं तो हीलिंग मॉडलिटी से आप कनेक्टेड हैं, और जिसका नतीजा ये है कि विश तो आपने आपके पर्सन को ही किया था, तो वो ग्रांट होती हुई मुझे दिख रही है। ऐसा फ्रेंड्स की एनर्जी बताइए, किसी के लाइफ में नया वाला पर्सन भी आ सकता है, ये भी बात है। एस ऑफ फैंड्स को प्योरीफाई कर रहा है थ्री ऑफ फैंड्स, एक आप बात नोट कर रहे हैं, यहाँ पे थ्री ऑफ फैंड्स से स्टार्ट हुई थी एनर्जी, थ्री ऑफ फैंड पे खत्म हो रही है विथ पेज ऑफ फैंड्स, किसको क्लैरिफाई कर रहा है, एस ऑफ फैंड्स जी। आप उनको पता चल गया है कि अब तो भाई ये राइट टाइम आ गया, राइट डिसीजन लेने का समय आ चुका है कि चलो अब जो कुछ भी हो गया है, शायद आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल गई है, शायद आपको एश्योरेंस मिल गया है आपके पर्सन से, क्योंकि कुछ ऑप्शंस हट गए हैं आप दोनों के रिलेशनशिप से। सेवन ऑफ कप रिवर्स आ रहा है, जिन लोगों की वजह से रिलेशनशिप में इतने रेड फ्लैग्स आ रहे थे, तो शायद आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा ये रिलेशनशिप सारे ऑप्शंस आपके पर्सन के लाइफ से हट गए हैं, और दिस इज़ अ राइट टाइम, क्योंकि अब जो तूफान था दोनों के रिलेशनशिप से वो अब थम चुका है, और अब ये राइट टाइम है कि आप भी आपके पर्सन के टूवर्ड्स एक एक्शन ले सकते हैं, और आप लेते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। अब देखते हैं स्ट्रेंथ की एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जी में क्यों है। ये आपके जमाइकल, प्लीज क्लैरिफाई स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे फोर ऑफ पेंटेकल एंड एम्परर। फोर ऑफ पेंटेकल रिवर्स था, बहुत कंट्रोलिंग थे आपके पर्सन, एब्यूसिव थे आपको लेकर, इनसिक्योरिटी जेलस इशू आपके पर्सन के रहे हैं, और ऊपर से इनका कंट्रोलिंग नेचर रहा है, तो ये सारी बातें आपके पर्सन ने अपने अंदर से हटा दी है, क्योंकि आपके पर्सन को लीडर एंड कंट्रोलिंग इगोइस्टिक लीडर, इसका डिफरेंस आपको शायद पर्सन को पता चल चुका है। तो आपके पर्सन को अब ये लगता है कि इनको स्ट्रांगली आपके लिए खड़ा होना है, आपको सपोर्ट करना है, और ये जो चीज़ें आप पर्सन के लाइफ में थी, इनके बिहेवियर में थी, तो इसके ऊपर आपके पर्सन ने काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर लिया है, और अब ये पर्सन स्ट्रांगली आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं। अगेन यहाँ पे करंट एनर्जी में एम्परर की एनर्जी थी, यहाँ पे भी एम्परर की, आपके पर्सन मुझे कॉन्स्टेंटली एम्परर की एनर्जी में दिख रही, जैसे कि इनका इन्होंने परफेक्ट डिसीजन ले लिया, परमानेंट डिसीजन ले लिया, एक डिसीजन मेकिंग पावर में आपके पर्सन आ गए। इसके लिए जो साहस आपके पर्सन में नहीं था, आपके पर्सन कोई भी एक्शन लेने से डर जाते थे, तो ये चीज़ें हट गई आपके पर्सन के अंदर से, और एक डिसीजन मेकिंग पावर में आपके पर्सन नेक्स्ट एक्शन में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। एस ऑफ सोर्स को देखते हैं क्यों है जी। वेरी गुड, किसी को शादी का प्रपोजल मिलने वाला है, दोनों शादी के कार्ड आ गए, फोर ऑफ पेंटेकल एंड टेन ऑफ पेंटेकल।
ये ट्विन फ्लेम की बात भी हो सकती क्योंकि यहाँ पे भी लवर की बात आई थी, कोई ट्विन फ्लेम कपल भी यहाँ पे एनर्जी दिख रहा है। तो अगर आप सिंगल है, आपके पर्सन से आप शादी की कमिटमेंट चाहते थे, तो आपके पर्सन नेक्स्ट सेक्शन में आपको शादी की कमिटमेंट देने की एनर्जी आ रही है। वो डिसीजन आपके पर्सन ने एक्चुअली ले लिया बेबी, और इसी डिसीजन के ऊपर आपके पर्सन आगे भी फर्म रहेंगे। दूसरी बात, अगर आप आपके पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में थे और बहुत कुछ डार्क एंड हिडन सीक्रेट गेम आप दोनों की रिलेशनशिप में चल रहे थे, जिसकी वजह से आप दोनों में एक लंबा अंतराल तक मेंटल डिस्प्यूट चल रहे थे, डिफरेंसेस बढ़े थे, आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई प्यार नहीं था, कोल्ड शोल्डर गोस्टिंग का गेम चल रहा था, तो अब ये सारी बातों से क्लैरिटी आपको मिलने वाली है और आपका मैरिड रिलेशनशिप अच्छे से बैलेंस होने वाला है। अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड है, आप भी कहीं और मैरिड है, बावजूद इसके आपके पर्सन आपके साथ एक फैमिली रिश्ता बनाते हुए मुझे दिख रहे। अब ये रिश्ता हो सकता है सीक्रेटली, हो सकता है सीक्रेटली हो सकता है, बट कुछ ऐसे हालात डेफिनेटली होंगे कि जो आपके लिए भी, आप भी उस हालत में कंफर्टेबल रहेंगे, खुश रहेंगे। द मून की बात जो है, मून को क्लेरिफाई करें। ओ माय गॉड, लवर, लवर की दो बात है। अगर आप किसी और रिलेशनशिप में आपके पर्सन के साथ में ये कहीं और मैरिड है, तो ये पर्सन सीक्रेटली आपसे मिलना और आपके पर्सन फिजिकली इंटीमेट होते हुए मुझे आपके साथ लग रहे हैं। दूसरी बात मुझे ये कि ये पर्सन का आप थोड़ा बहुत आप देख लो, यहाँ पे वैसे मुझे इतनी एनर्जी नहीं आ रही क्योंकि आगे के कार्ड सारे अच्छे हैं, बट हो सकता है थोड़ा चेकआउट कर लो कि ये पर्सन किसी के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप में तो नहीं है ना। बट यहाँ पे बात ये है कि अगर आपके पर्सन बहुत इमोशंस से दूर थे, इमोशनली अनअवेलेबल थे, तो मुझे लगता है आपको लव, रोमांस, इंटीमेसी के साथ साथ आपके पर्सन का इमोशनल सपोर्ट भी मिलने वाला है रिलेशनशिप में। हो सकता है इंटिट्यूली आपके पर्सन को कनेक्शन के बारे में पता चला है, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में पता चला है, आप उनके कौन हो, ये आपके कौन हो, ये बातें पता चली। यहाँ पे मुझे हाई प्रेस्टिस की एनर्जी मैंने जब देखी थी, यहाँ पे एक स्पिरिचुअल एनर्जी का टच भी मुझे लग रहा है। अगर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा है, कोई कोशिश कर रहा है कि आपके पर्सन की भी अवेकनिंग हो जाए, तो वो खास मैसेज उनके लिए कि आपके पर्सन की इंट्यूशन स्ट्रांग होने वाली है और आपके पर्सन को आपका और उनका क्या रिश्ता है वो रियलाइज होने वाला है। द फूल की एनर्जी बताइए, अंजल द फूल की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे किंग ऑफ पैंट्स एंड किंग ऑफ सोर्स। जी, ये पर्सन अपने उस फेस को, उस मास्क को उतारने वाले हैं जो हमेशा रूढ़ बात करता है, कोल्ड शोल्डर देता है, इमोशनली अनअवेलेबल रहता है, कोई एक्शन नहीं लेता, तो ये पर्सन वहाँ से हटकर एक एक्शन की एनर्जी में आते हुए दिख रहे। दूसरा मैसेज मुझे ये लगता है कि ये पर्सन बिल्कुल स्ट्रांगली आपकी रिलेशनशिप को जो भी रेड फ्लैग्स ला रहे थे, जो भी नेगेटिविटी थी, इनके खुद के नेगेटिव थॉट प्रोसेस थे, इनके खुद की नेगेटिव एक्टिविटी या फिर इनका खुद का नेगेटिव बिहेवियर था या फिर कुछ नेगेटिव लोग थे, इनको कट करते हुए ये पर्सन आपके टूअर्स एक स्ट्रांगली लिप ऑफ फेथ के साथ एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। स्टार की एनर्जी बताइए इंजन। स्टार की एनर्जी को क्लियरिफाई कर रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्स। आप नाइट ऑफ सोर्स से परेशान थे, नाइट ऑफ सोर्स एंड फोर ऑफ कप। तो आप हमेशा मैनिफेस्ट करते हैं आपके पर्सन से कि इनका जो आना जाना है तो वो इनके लाइफ से हट जाए और ये इन आउट करते हुए ये पर्सन रुक जाए, और जो आपके मन में हमेशा फियर रहता है रिजेक्शन का, तो इन बातों के ऊपर ये हीलिंग सक्सेसफुल होने वाली। और तजुब की बात है कि अब ये आपके पर्सन आपको लेकर फील करने वाले हैं कि ये आ तो रहे बट क्या आप इनका लव एक्सेप्ट करेंगे, कि आप तो नहीं निकल गए आप इस रिलेशनशिप से, क्योंकि यहाँ पे किसी के इमोशनल वॉकआउट की नजर आ रही है। जैसे कि आपके पर्सन आपको शायद आगे मैसेज करेंगे, तो आप पहले जितने अटेंटिव थे, अटेंशन देते थे आपके पर्सन को, वो अटेंशन आपको पर्सन को आपसे मिलेगा नहीं। तो शायद आपके पर्सन को ये लग सकता है कि अब आप तो फेमस हो गए हो, आप बहुत अवेकनिंग हो गए हो, आप अब स्टार हो गए हो, तो क्या आप इस रिलेशनशिप में अभी भी हैं या फिर आप इस रिलेशनशिप से चले गए हैं। तो ये थोड़ा फियर ऑफ रिजेक्शन वाला आपके पर्सन की एक बिल्कुल नॉर्मल एनर्जी मुझे लगती है, बट ये एनर्जी ज़्यादा देर तक काम नहीं करेंगी क्योंकि वहाँ से निकलते हुए मुझे आपके पर्सन लग रहे हैं। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी बताइए मुझे। ओ माय गॉड, कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है। पेज ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है, पे एस ऑफ सोर्स।
जी, ये पर्सन स्टॉक आपको तो बहुत कर रहे हैं और स्टॉक कर 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 आपकी इन्फॉर्मेशन भी बहुत निकाल रहे हैं। आपको शायद पता नहीं है, बट ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो रहे हैं। आपकी बड़ी इन्फॉर्मेशन, जानकारी ली जा रही है। क्लैरिटी आपके पर्सन को मिलने वाली है, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन स्ट्रांगली, एक स्ट्रांग मीन्स इनका शायद सच बहुत डार्क है, इसी में शायद इतनी हिम्मत नहीं होती कि अपने मुंह से अपना सच का बोलने की, बट ये पर्सन आपको वो क्लैरिटी देंगे, क्योंकि अब ये आपको नहीं खोना चाहते। आपको खोने का आपके पर्सन को बहुत अब डर लगने लगा है, तो ये पर्सन क्लैरिटी देंगे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी इस रिलेशनशिप में लाएंगे ये पर्सन। लवर की एनर्जी बताइए मुझे। लवर की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है टावर इन द रिवर्स। जो कुछ भी टावर मोमेंट था आप दोनों के रिलेशनशिप में, अभी भी शायद चल रहा है कुछ हद तक, तो वो हटता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटेकल की एनर्जी के साथ लवर की एनर्जी आ रही है, तो आपका रिलेशनशिप तो अच्छे से चहकता पहकता दिख रहा है। चीज़ें थी, कुछ एंजाइटी थी आपको, डिप्रेशन था, शायद आप दोनों इस एनर्जी को फेस करें क्योंकि फ्यूचर की एनर्जी आ रही, बट आप दोनों इस रिलेशनशिप को, इस एनर्जी को, रिलेशनशिप में आई हुई इस एनर्जी को बैलेंस कर लेंगे। बहुत कुछ गिल्ट आपके पर्सन के मन में आपको लेकर लगता है, मीन्स इन्होंने कुछ गलत किया है, बट ये पर्सन अब इतनी स्ट्रांग एनर्जी में आ गई कि ये अच्छे से बैलेंस कर लेंगे आपको नेक्स्ट डायरेक्शन में। आपकी मेंटेलिटी, आपका गुस्सा, आपके एक्शन और आपके साथ रिलेशनशिप, सभी को ये पर्सन बैलेंस कर लेंगे। अब देखते हैं फाइनल आउटकम। मुझे लगा था कि ऐसे करूँगी तो रीडिंग शायद थोड़ी जल्दी हो जाएगी, नहीं, वो तो आने आने। फाइनल आउटकम क्या है? आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ, जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, मेरे दर्शक उनके पार्टनर को फाइनली क्या एनर्जी देने वाले हैं, फाइनल आउटकम में क्या एनर्जी देने वाले हैं, प्लीज गाइड मी। कंफ्यूजन से निकल रहा है या कोई, या फिर किसी के आंखों के ऊपर, आपके आंखों के ऊपर अभी भी कोई पट्टी है, इसकी वजह से स्लो हो जाएंगे। शायद डेक ही उल्टा था। किंग ऑफ कप, स्लो ही सही, कंफ्यूजन हटता हुआ दिख रहा है, स्लो ही सही। आप आपके पर्सन को अपने प्यार का कप तो देते हो, गए पैर में आ गए, क्वीन ऑफ कप भी आ गया यहाँ पे। प्यार तो बहुत करते हैं आप आपके पर्सन को, अभी गुस्से में है शायद, इसलिए कोई बोलता है कि नहीं, बट नहीं, मुझे लगता है नहीं बोल रहे तो अच्छी बात है, जो आपके दिल में बात है वो मैं आपको बोल देती हूँ। बहुत प्यार है, आप हमेशा इनसे ऐसा ही प्यार करते रहेंगे, ये आपके साथ कैसे भी रहें, बट आप अपने पर्सन को हमेशा ऐसे ही प्यार देते रहेंगे, आप इनके लिए हमेशा एफर्ट लेते रहेंगे, इनके लिए हमेशा अवेलेबल है, इनको कोई भी ज़रूरत हो रहे तो ये आप उनके लिए हमेशा रहते हो। फोर ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, एंड किंग ऑफ वैंड्स, आपकी तो पूरी किंग की एनर्जी आ गई यहाँ पे। हरमेट एंड एट ऑफ सोर्स, एट ऑफ सोर्स रिवर्स था एंड हरमेट। यहाँ पे अगर आप लंबे समय से आइसोलेशन मोड में चल रहे थे, स्टक हो गए थे, तो वहाँ से आप मुझे निकलते हुए दिख रहे हैं। अब मैं पहले आपकी एनर्जी निकाल लूँ, उसके बाद में आपके पर्सन का फाइनल आउटकम लोगे। टू ऑफ सोर्स, क्योंकि सारे कार्ड आ गए तो मैंने ले लिए जी। इक्वल गिव एंड टेक आप देंगे, क्योंकि कंफ्यूजन आपके एनर्जी से निकल जाएगा। कंफ्यूजन क्या था, ये पर्सन आते हैं जाते इक्वल गिव एंड टेक देते नहीं है, स्टेबिलिटी देते नहीं है, तो ये कंफ्यूजन फाइनली आपके दिमाग से चला जाएगा। पेज ऑफ कॉइंस को क्लेरिफाई करें, पेज ऑफ कॉइंस को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे। आप दोनों में लगातार जो झगड़े होते थे ना, वो एंड होने वाला है, और आपके रिश्ते में टर्न ऑफ पेंटेकल के हैप्पीनेस अबंडेंस का एनर्जी अब धीरे धीरे कर कर यहाँ पे स्टेबल होने वाली है। लंबे समय तक एनर्जी आपकी रहने वाली है, झगड़े लगातार होने वाले खत्म। किंग ऑफ कप की एनर्जी बताइए अंजल। किंग ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे एट ऑफ पेंटेकल, जो मैंने यहाँ पे बोला
एफर्ट आप लेंगे, जी हाँ विक्ट्री होगी आपके रिलेशनशिप की, आपके प्यार की, आपके पर्सन एफर्ट लेते हुए दिख रहे हैं, और वैसे वैसे आपकी एनर्जी आपके पर्सन को लेकर बहुत खुशहाल होती हुई मुझे दिख रही है। यहाँ पे टू ऑफ वैंड्स एंड फाइव ऑफ वैंड्स थे, किंग ऑफ कॉइंस जी। थर्ड पार्टी अगर है तो इसकी वजह से काफ़ी आप दोनों में झगड़े होने वाले हैं। आपके पर्सन के लाइफ में मैंने बोला था कोई थर्ड पार्टी है जो शायद बहुत ग्रीडी है, तो शायद पेंटेकल से सपोर्टिव है ये थर्ड पार्टी। अगर पेंटेकल की डिमांड आपके पर्सन से करती है तो उसको लेकर आप दोनों में मुझे लगता है आर्गुमेंट हमेशा आगे भी होते हुए दिख रहे हैं। जहाँ पे मैंने बोला डेफिनेटली झगड़े ख़त्म होंगे, बट थर्ड पार्टी अगर आती है और वो कोई पैसे की डिमांड करती हैं तो यहाँ पे आपके आर्गुमेंट आपके पर्सन से हो सकते हैं। बट यहाँ पे अगर बात है थर्ड पार्टी ने काफ़ी कोशिश की थी आप दोनों में झगड़ा लगाने की, बट फाइनल आउटकम में आपके पर्सन को मैच्योरिटी की एनर्जी दे रहे हैं, स्टेबिलिटी की एनर्जी आप खुद भी दे रहे हैं। एट ऑफ कॉइंस को बताइए एंजल, एट ऑफ कॉइंस को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे चैरियट एंड सिक्स ऑफ सोर्स जी। आपकी रिलेशनशिप में आप भी बहुत कुछ मेहनत करने वाले हैं, आप दूर गए थे तो आप वापस इस रिलेशनशिप में आने वाले हैं। इमोशनली दूर चले गए तो इमोशनली आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप में फिर से इन्वॉल्व होते हुए मुझे दिख रहे हैं। फिजिकली तो आप हो ही जाएंगे। फोर ऑफ पैंट्स की एनर्जी बताएंगे, फोर ऑफ पैंट्स को क्लेरिफाई कर रहा है अगेन टावर। किसी के मैरिड रिलेशनशिप पर बहुत गहरा टावर पड़ा था, बट यहाँ पे किसी ने हीलिंग से बहुत स्ट्रांगली अपनी रिलेशनशिप में आया हुआ टावर को रिटर्न कर दिया है, और आपकी ये विश ग्रांट हो गई है कि आपका मैरिज रिलेशनशिप स्ट्रांग रहे, स्ट्रेंथफुल रहे, तो वो होता हुआ मुझे दिख रहा है। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी बताइए एंजल, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे टेन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स इन एंड नाइट ऑफ कप। हाँ जी, बहुत लूप चल रहा था आप दोनों की रिलेशनशिप में, धोखा, बिट्रेयल, चीटिंग, बैकस्टबिंग एंड दी सुसाइडल एनर्जी, तो वो लूप जाता हुआ दिख रहा है। आप भी आपके पर्सन के लिए वही प्यार फील करने वाले हैं, आप प्रॉपर एक्शन लेने वाले हैं आपके पर्सन के टूवर्ड्स। एट ऑफ सोर्स रिवर्स क्यों हैं उसको क्लेरिफाई कर रहे हैं फोर ऑफ पेंटाकल। बहुत इनसिक्योरिटी, जेलस या फिर नेगेटिव थॉट प्रोसेस में आप भी कभी कितने टाइम से, बहुत सारे टाइम से आप स्टक थे, तो वो मुझे निकलता हुआ दिख रहा है। आपके पर्सन को एक स्टार्ट आपकी ओर से भी आप करने वाले हैं, क्योंकि आपने एक डिसीजन ले लिया है आपके पर्सन को लेकर। हर्मिट की एनर्जी को क्लेरिफाई करते हैं थ्री ऑफ कप। आइसोलेशन मोड से आप जाएंगे और इस डे के लिए आ रहा है हायरोफैंट जी। आप अपने रिलेशनशिप को ट्रेडिशनली मैरिड में तो कन्वर्ट करने वाले हैं, नहीं तो ऑलरेडी एक मैरिड रिलेशनशिप में, तो उसको एक मैच्योरिटी लेवल, एक नेक्स्ट स्टेज हैप्पीनेस के टूवर्ड्स, अबेंडेंस के टूवर्ड्स, सक्सेस के टूवर्ड्स आप लेके जाने वाले हैं। आप आपके पर्सन के साथ काफ़ी टाइम इन्जॉय करने वाले हैं, पार्टी जाएंगे, डेटिंग पे जाएंगे, घूमने के लिए जाते हुए मुझे आप दिख रहे हैं। अब देखते हैं आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन का फाइनल आउटकम क्या है। या कैंसर माइकल प्लीज आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनके पर्सन इनको लेकर फाइनल आउटकम में क्या एनर्जी देंगे, इनके पर्सन मेरे दर्शकों को लेकर फाइनल आउटकम में क्या एनर्जी देने वाले हैं। टू ऑफ कॉइंस, एम्परर बहुत आ रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में। पहले पेज की एनर्जी बहुत ज़्यादा आती थी, मून की बात, मून भी आ रहा है यहाँ पे, देखेंगे और क्या कार्ड्स है। थ्री ऑफ सोर्स, देखिए वही मुझे बार बार किसी के लिए एनर्जी आ रही है। यहाँ पे दो सिचुएशन लग रही हैं, एक आपसे छुपी हुई है, टेन ऑफ सोर्स, एट ऑफ सोर्स, क्लेरिफाई भी करेंगे, डोंट वरी।
एस ऑफ हैंड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप एंड द फूल। हाँ जी, चैलेंजिंग चीज़ें तो आपके पर्सन ही दे रहे हैं। चीटर की एनर्जी गाइस, मैं बोल रही हूँ, मैंने हल्के में आपको मैसेज दिया था कि एक हिडन सीक्रेट रिलेशनशिप आपके पर्सन में। देखिए, आपके पर्सन कंस्ट्रक्शन में आपके साथ अच्छे रह रहे हैं। यहाँ पे चीज़ें ऐसी नहीं कि आपके साथ कुछ भी नहीं कर रहे, यस आपके साथ आ रहे हैं, पर्सन आपके साथ एक डिसीजन ले रहे हैं, बट यहाँ पे बातें अभी भी हिडन है। फाइनल आउटकम में चीज़ें आ रही है। आइदर अगर ये 70% एनर्जी आपने अपने रिलेशनशिप में अभी ही फील की है, तो ये 70% एनर्जी आप यहीं पे रिलीज़ कर दें। अदरवाइज अगर ये दुख ही है आपके पर्सन का, हमेशा चीटिंग, धोखा, बिट्रेड, थर्ड पार्टी, सीक्रेटली, हिडनली, स्टक की एनर्जी, अटकने की एनर्जी, ये चीज़ें आ रही है। बट यहाँ पे किसी की विश भी ग्रांट हो रही है। आपके पर्सन जैसे सब बातों को छोड़कर एक आपके टूवर्ड्स फाइनली आते हुए मुझे दिख रहे हैं, चीटिंग जोन से आते हुए मुझे दिख रहे हैं। बट यहाँ पे पूरे ओवरऑल एनर्जी आपके पर्सन की चीटर की है। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके पर्सन का एक सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा है, जहाँ पे आपके पर्सन सेक्सुअली काफ़ी इन्वॉल्व है। तो आप पॉइंट्स की एनर्जी बताइए एंजल। तो आप पॉइंट्स को वेरीफाई कर रहे हैं हायरोफेंट। ये पर्सन ऑलरेडी या तो कहीं और मैरिड है, नहीं तो आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में होने के बाद भी इस पर्सन का कहीं तो कुछ तो चल रहा है। एम्परर की एनर्जी को प्योरीफाई कर रहा है पेज ऑफ पैंट्स। आपको लेकर डिसीजन तो ले रहे, ये तो डेफिनेटली मैं बोल दूँगी। देखिए, ये आपको नहीं छोड़ेंगे, ये आपके साथ रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे लेके जाएंगे, बट साथ साथ में इस पर्सन का सीक्रेटली कुछ चक्कर भी चलता है। दमून आपको प्यार करते हैं, अब ये चक्कर चलता है तो ये हमसे नहीं, ये सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी या फिर होता किसी के लिए एडिक्शन या फिर किसी का एक कूल स्टेट चाहिए, कूल स्टेटस चाहिए, इसीलिए कोई कोई करता है। बट वो इमोशन से जुड़ने वाली बात है, इमोशनली प्यार करने वाली बात है, वो मैंने आपके पर्सन की आप ही के लिए फील की है। मून की बात बताइए, अगर ये पर्सन ऑलरेडी कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है, तो हो सकता है ये पर्सन अपने मैरिड रिलेशनशिप की असली बातें आपसे छुपाते हैं। बातें यहाँ पे फाइव ऑफ वैंड्स, देखिए यही सीक्रेटिव रिलेशनशिप को लेकर आप दोनों में झगड़े हो सकते हैं, आर्गुमेंट हो सकते हैं, क्योंकि आपको क्लैरिटी मांगेंगे और ये पर्सन आसानी से क्लैरिटी देंगे नहीं। थ्री ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स। जी, थर्ड पार्टी से तो निकलते हुए मुझे आपके पर्सन लग रहे हैं। ये भी बात हो सकती है कि इस पर्सन ने आपसे छुप कर तो एक थर्ड पार्टी रख ली, पर थर्ड पार्टी ने भी इनको ऐसे ऐसे घुमाया, ऐसे ऐसे नाच नचाया है ना, तो ये पर्सन घायल तो उस कारण भी हो सकते हैं, और वही एनर्जी में ये पर्सन आपसे जुड़े हैं, तो इसी कारण ये पर्सन आपके टूवर्ड्स भी आते हुए मुझे दिख रहे। अदरवाइज ये पर्सन के लाइफ में कोई हिडनली सीक्रेटली कोई थर्ड पार्टी थी जो आपको इंटीट्यूटिवली पता थी, इस बात को लेकर झगड़े होने वाले हैं, और ये पर्सन मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी से बाहर आते हुए आपके टूर्स आते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये पर्सन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है, तो ये भी बात है कि आपके पर्सन के उस रिश्ते में काफ़ी झगड़े चल रहे हैं, उससे परेशान होकर ये पर्सन आपके टूर्स आ रहे हैं। यहाँ पे टेन ऑफ सोर्स रिवर्स को क्लेरिफाई कर रहा है, एस ऑफ सोर्स एंड लवर। जो कुछ भी लूप था, जो कुछ भी चीज़ें थी गलत थी, तो ये आपके पर्सन समझ जाएंगे कि वे आपको क्लैरिटी देंगे। आपको शायद सुनने से काफ़ी तकलीफ होगी, आपको हर्ट होगा, आपको पेन होगा, बट फिर भी आपके पर्सन आपसे अब बातें छुपाएंगे नहीं। फाइनल आउटकम में जो मैंने बोला था स्ट्रेंथ की एनर्जी देकर, शायद इनका सीक्रेट काफ़ी डार्क है, बट ये पर्सन आपको सारी सारी बातें सच सच बता देंगे, क्योंकि आपके पर्सन शायद डिसीजन ले लिया है कि अब इस रिलेशनशिप में इनको कुछ भी बातें सीक्रेटली रखनी नहीं है। फाइनल आउटकम तक ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप से हटती हुई दिख रही हैं। एट ऑफ सोर्स रिवर्स भी हैं, चैरियट। स्टक थे आपके पर्सन कहीं और, तो और आपके पर्सन देखिए यहाँ पे किसी की बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग हो रही, इंफॉर्मेशन लेने की बात भी हो रही है,
आपके पर्सन आपको अगर बहुत स्टॉक करते थे तो वो उस एनर्जी से निकलते हैं, क्योंकि ये डाउट भी करती होंगी आपको, इसीलिए आपको स्टॉक करती होंगी। तो इस एनर्जी से आपके पर्सन निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी बताएंगे, एस ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ सोर्स, और इसी थर्ड पार्टी के चक्कर में आकर इस पर्सन ने आपको कोल्ड शोल्डर दिया था। कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में भी ये पर्सन है गाइस, तो आपके पर्सन वहाँ तो हर्टेड है और इनको उस वहाँ से निकलने के लिए बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ से चीज़ें कुछ ज़्यादा स्ट्रांग है, आपके पर्सन के एक्शन से ज़्यादा स्ट्रांग है। बट अंत में मुझे लगता है आपके पर्सन निकल जाएंगे, और इसी चक्कर में अगर आपके पर्सन ने आपको लंबे समय से कोल्ड शोल्डर दिया था तो मुझे लगता है आप दोनों से ये ब्लॉकिंग की एनर्जी निकल कर एक कम्युनिकेशन की एनर्जी आती हुई दिख रही। वैसे आप भी आपके पर्सन को जब डील करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा दिमाग से काम लेने वाले, दिल से नहीं दिमाग से काम लेने वाले, क्लैरिटी मांगने वाले, क्लियर कट कम्युनिकेशन मांगने वाले, क्योंकि दिल तो मेरा दुख ही गया है, पेन तो मुझे हो ही गया है। अब जब मैंने सब कुछ सहन ही कर लिया है इतने सालों से, इतने दिनों से, क्योंकि 10 साल का कम से कम मुझे समय लग रहा है, तो आगे भाई अब जो चीज़ें हो तो आगे कम से कम चीज़ें क्लियर हो, और इस पावरफुल एनर्जी में आप आएंगे और आपके पर्सन भी उतने ही स्ट्रांगली आपसे सारी बातें क्लियर करेंगे। नाइन ऑफ सोर्स की एनर्जी, जी बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी आपके पर्सन कभी थे ही नहीं, आपके पर्सन खुद को लेकर ये चीज़ें फील करते हुए दिख रहे हैं, या फिर आप भी आपके पर्सन को ये सारी बातें बोल सकते हैं। यहाँ पे नाइन ऑफ सोर्स के एंजाइटी क्यों दे रहे हैं आपके पर्सन आपको, ड्यू टू थर्ड पार्टी, ड्यू टू 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 सिचुएशन हैंडलिंग, इसकी वजह से होने वाले कॉन्फ्लिक्शन, और आपके लिए प्रॉपर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं, आपके लिए प्रॉपर ये पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। तो इस बात को लेकर आपके पर्सन आपको एंजाइटी की एनर्जी दे सकते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं ना, आप पीस चाहते हैं, आप बैलेंस चाहते हैं रिलेशनशिप में। शायद इस पर्सन दे भी दे, बट ये फेज इतना लंबा था ना आप दोनों के रिलेशनशिप में, ये धोखा बीटर थर्ड पार्टी वाला, तो इसीलिए ये पेनफुल एनर्जी, एंजाइटी की एनर्जी आपके सोल को जैसे स्टक हो गई है। इसीलिए फाइनल सिचुएशन में अगर चीज़ें इस निगेटिविटी से निकल कर थोड़ी पॉजिटिविटी के टूवर्ड्स भी जाती है, तो आपका मेंटल थॉट प्रोसेस आपको बार बार उन्हीं चीज़ों में स्टक करता है, और इस बात को लेकर भी यहाँ पे किसी को एंजाइटी हो सकती है। दूसरी बात, आपके पर्सन के इस नेचर से परेशान तो होती हुई मुझे दिख रहे हैं। आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, नाइटमेयर आपको हो सकता है, बट मुझे लगता है यहाँ पे कोई हीलिंग से जुड़ा है, या फिर खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपके पर्सन जो इतनी निगेटिविटी आप दोनों के रिलेशनशिप में क्रिएट हुई थी किसी थर्ड पार्टी की वजह से अभी भी, या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी को लेकर काफ़ी झगड़े होते हैं, तो आपके पर्सन आपका डिप्रेशन, आपकी मेंटल बीमारी, आपके होने वाले झगड़े, सारे बातों का सोल्यूशन बहुत सोच समझ कर निकालने वाले हैं। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी क्या है, चीज़ें नाइन ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे, नाइन ऑफ पेंटेकल, एस ऑफ कप, और फाइनली यहाँ पे टावर था। तो जी हाँ, टावर यहाँ पे विश आपकी थी कि आपके लाइफ से टावर वोमेंट चला जाए, तो वो होता हुआ दिख रहा है, और आपके रिलेशनशिप में एक इंडिपेंडेंट या फिर एक वो मन चाहे खुशी, मन चाहा वो वरदान बोलो या फिर चीज़ें आपको मिलने वाली है। आपके पर्सन आपके टूअर्स यही प्यार, यही एनर्जी, यही विश फुलफिलमेंट वाला थीम लेकर आती हुई दिख रही। सेपरेशन मोड आप दोनों के रिलेशनशिप से फाइनल आउटकम में जाता हुआ मुझे दिख रहा है। फूल की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटेकल, जी फुल बॉट ऑफ द डे यहाँ पे अगेन फुल। आपके पर्सन फाइनली चीटिंग प्रोसेस से निकलते हुए दिख रहे हैं, और आपके पर्सन आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं। गॉड, एक घंटे की एनर्जी हो गई यहाँ पे, तो टॉपिक भी मैंने पांच नियर अबाउट फाइव टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए ना, सिक्स टॉपिक, और एक लास्ट वाला और बाकी है। चलिए देखते हैं एंजल एंड एंसेस्टर के क्या गाइडेंस है आपको।
एंजल माय सिस्टर्स, मेरे दर्शकों के लिए आपके यहाँ गाइडेंस देंगे। गाइड मी अर्थ मदर, फील लव एंड कंफर्टेड जी। मदर एनर्जी से कनेक्टेड रहिए। एल्डर, हीलिंग थ्रू द लिनेज जी। यहाँ पे हीलर की एनर्जी से कोई जुड़ा है तो मुझे लगता है हीलिंग आपके रगों में है। आपके बहुत सारे एंसेस्टर हीलिंग के, तो उन्होंने बहुत हीलिंग के ऊपर काम किया है, वही चीज़ आप में है, इसीलिए आप इतनी एंटिटी हो। शायद ज़्यादा काम नहीं करें स्पिरिचुअल मॉडलिटी से जुड़े, बट फिर भी एंटिटी हो, फिर भी स्टेबल हो, फिर भी एक हीलिंग मटेरियल आपको। डिरेक्शन गार्डियन, चूज योर पाथ। यहाँ पे आपके गार्डियन एंजल आपको बहुत डिरेक्ट कर रहे हैं, सही पाथ पर आपको लाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो आप ये बात सोचे समझे सुने और इसके ऊपर अप्लाई करें। और क्या है आपके लिए मैसेज है? एरो, सराउंड योर सेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी। कुछ नेगेटिव थॉट प्रोसेस या फिर डेविल एनर्जी आपको भी हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पावरफुल व्यक्ति मुझे लगते हैं। आपको शायद पता नहीं है बट आप में ये एनर्जी है। वाटर गार्डियन, यहाँ पे देखिए आपको वाटर एंजल मीन्स वाटर से आप जुड़े रहो। आप इमोशनल, आपके इमोशंस बैलेंस नहीं होते या फिर इमोशनली काफ़ी हर्ट होते हो। सलाह क्या दी जा रही है आपको? आप वाटर एनर्जी से जुड़ जाइए और ये जो जल तत्व की ऊर्जा है इसको इमोशनली इक्वल बैलेंस करने की प्रैक्टिस कीजिए। वाटर गार्डियन एंजल आपसे जुड़े रहते हैं, आप बस उनको कॉल करनी है, इनकी सपोर्ट लेनी है और अपने इमोशंस के ऊपर सही तरीके से काम करके उनको बैलेंस करना है, क्योंकि इमोशंस अगर ओवर पावर हो जाते हैं अपने ऊपर तो हमसे पता नहीं क्या क्या करवा लेते हैं। ब्रोकन एरो, एम्ब्रेंस द एनर्जी ऑफ पीस। और अगर आपने अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं किया तो ये आपकी शांति को क्या करती है? भंग करती है। यहाँ पे इमोशनल बैलेंस इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर यू। मदर एनर्जी से, मदर गाया से कनेक्टेड रही। नेचर में ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना बिताइए, आपको फील होगी मदर अर्थ आपको हील कर रही है। ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। मैंने वही आपको बोला कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से या तो कोई जुड़ा है नहीं तो किसी के रगों में स्पिरिचुअल हीलिंग पावर है, तो एक्सपीरियंस कीजिए। मैंने वही बोला, सोचो समझो जानो एंड देन अप्लाई करो। सोचो आपको कहाँ से कैसे हेल्प मिलती है, आप क्यों हर समस्या से कैसे तर जाते हो, तो इस बात के लिए सोचो, फिर समझो ऐसी कौन सी नॉलेज है, कौन सी प्रैक्टिस है जो आपको बचा रही है, फिर जानो ये प्रैक्टिस आपको कहाँ से आई है। अगर आपने जान लिया, सोच लिया, समझ लिया, अब आपको अप्लाई करनी है लाइफ में ताकि ये समस्या हल हो जाए। फिर स्पिरिट फॉक्स, किसी के गार्डियन स्पिरिट्स एंजल कौन है? या फिर फॉक्स है। और फॉक्स क्या बताता है? ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम्स। डिफ़िकल्टीज कितनी भी आ जाए, हर डिफ़िकल्टी से निकलने का मार्ग हमें जो जिसको मिलता है उसको बोलते हैं टैलेंट। तो ये एनर्जी है, ये स्पिरिट पावर आप में है। तो ये थे आपके एंजल के एंसेस्टर के मैसेजेस फॉर यू। अब लास्ट जो मैंने बोला था कि टाइम प्रडिक्शन देख लेते हैं, जैसे मुझे तो भाई 10 का ही समय लग रहा है आजकल, 9 या 10 दिन, वीक, दिन तो बहुत कम है, वीक या फिर हफ्ते, बट फिर भी देख लेते हैं विद इन 8 मंथ। चलो अच्छी बात है, यहाँ पे किसी का अगले 8 महीने में समस्या अगर हल हो जाती है तो वेरी गुड। यहाँ पे आफ्टर 9 मंथ जो मैंने बोला था आपको 9 या 10 की बात, यहाँ पे विद इन 4 मंथ, किसी किसी के लिए 4। हाँ जी, और फ्रेंड्स के भी न जा रहे थे ना बार बार, तो किसी 8 की भी न जा रही थी। टॉक सोर 2-3 बार आया था यहाँ पे, पेंटेकल आया था यहाँ पे विद इन 2 ईयर्स। और किसी का अगर बहुत लंबा है समय तो 2 साल भी। और लकी वन के लिए आफ्टर द नेक्स्ट 7 डेज, हो सकता है कुछ कम्युनिकेशन पावरफुल हो जाएगा आपका। तो ये थी मेरी आज की एनर्जी, आपको रीडिंग कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।